हाँ जी भी गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पहले मैं अपना तकिया कलाम बोल देता हूँ। वड्या नू राम राम, छोटिया नू प्यार। हाजिर हाँ तुहाडे सामने फिर तो एक बार। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। पिछले व्लॉग में मैं बोलना ही भूल गया, ये अपने जो लाइंस है ना, मैंने सोचा बाद में बोलता हूँ फिर बाद में भूल जाता हूँ, तो इस बार ही पहले ही बोल दिया। अब काम ख़त्म, अब आगे व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो आज जा रहा हूँ, मैंने स्टिकर्स बनवाए हैं अपने चैनल के नाम के, जो भी मिलेगा उसको स्टिकर दिया करूँगा। तो वो स्टिकर्स के ऑर्डर दिए थे मैंने 2-3 दिन पहले, तो वो बन गए हैं। तो चलते हैं, गाड़ी में जा रहा हूँ। ये खड़ी गाड़ी भी मतलब 20-25 दिन हो गए, 25 दिन ही हो गए गाड़ी मतलब चलानी, तो दूर की बात, स्टार्ट तक करके भी नहीं देखी थी। तो अब स्टार्ट करी है, थोड़ी देर स्टार्ट होती है, मतलब इंजन गर्म हो रहा है, 2-3 मिनट अपना इंजन गर्म करके फिर चल रहे हैं, स्टिकर लेते हैं। और इसके हॉर्न में भी दिक्कत आ रही है, तो वो भी ठीक करवाते हैं। तो चलो जैसे जैसे होता है दिखाता हूँ आपको। लिए घर से, तो आज अपना भाई भी आया हुआ है साथ। और क्या हाल है? बढ़िया। पहले स्टिकर उठाते हैं फिर चलते हैं, अपना इसका हॉर्न दिखा देते हैं। वैसे अभी सही बज रहा है हॉर्न, पता है डॉक्टर पास जा रही हूँ मैं, सही हो जाऊँ। ऐसे होता है ना, डॉक्टर पास जाओ तो दर्दें खत्म हो जाती हैं, तो वही हाल गाड़ी। आजकल कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता है। हाँ, आजकल तो सीधा कहते हैं टेस्ट कराओ, एडमिट हो जाओ, अपने आप को कर लो, क्या बोलते हैं उसको, क्वारंटीन। हाँ, क्वारंटीन कर लो अपने आप को। इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर आपके पास भी गाड़ी है सर्दियों में खासकर, मेरी तरह नहीं 20-25 दिन आप स्टार्ट ही ना करो गाड़ी। स्टार्ट कर लिया करो, एक तो बैटरी डाउन हो जाती है सर्दियों में, और ठंड के अंदर पिछले जो होते हैं ना ब्रेक्स, वो जाम हो जाती हैं। अगर हैंड ब्रेक लगा के रखोगे गाड़ी में, तो कोशिश करो हर 4-5 दिन बाद कहीं नहीं भी जाना तो एक छोटा सा गेड़ा मारो। स्टिकर लेने देखते हैं कैसे बने कैसे नहीं। और भाई साहब क्या हाल है आपके? बन गए स्टिकर? हाँ जी बन गए हमारा। दिखाओ, दर्शन कराओ जरा स्टिकर, देखें जरा कैसे बने। पहले मैं देख लूं जरा, फिर आपको दिखाता हूँ। कैसे लगे? सही है, कोई कमी पेशी? अभी मैंने कम ही छपवाए हैं, मैंने कम छपवाए हैं अभी, ताकि कोई अगर कोई गाइड करेगा कि ये चीज कम है या ये ज्यादा है, तो फिर दोबारा है ना सर। हाँ जी, इसमें कमी बेशी होगी बता देना। इन्होंने भी मेरे को गाइड यही करा था, मैं तो ज़्यादा का ऑर्डर दे रहा था, इन्होंने कहा पहले कम का करवाओ, दिखाता हूँ आपको, मेरे को तो सही लग रहे हैं। ये टीम, ये फेसबुक का पेज, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, ये मेरी ईमेल आईडी है। तो कमेंट करके बताना सही लगा है तो इसी का ऑर्डर और दे दूंगा, नहीं तो कुछ चेंज करने हैं तो वो भी कमेंट करके बता देना। बाकी ये भैया की शॉप है, यहीं से मैं मतलब बहुत पुराने टाइम से आ रहा हूँ, जब साइकिलों पे स्टिकर चिपकाते थे वो फरारी वाले पीले रंग के, तब से आ रहा हूँ। क्या क्या डील करते हो भैया? सारे स्टिकर वगैरह, गाड़ियों के नंबर प्लेट्स वगैरह, सारे स्टिकर वगैरह, कोई बनाने हो, कोई गाड़ी मॉडिफाई करानी हो तो सब करा करते। बोर्ड वगैरह भी, साइन बोर्ड वगैरह बनते हैं, नगर के नेम प्लेट हो गई। अच्छा, हाउस के नेम प्लेट वगैरह सारी बनते हैं। अपना एड्रेस बता दो। एड्रेस है हमारा छोटी सोच मंडी, जनकपुरी, प्रेम नगर, विशाल स्टिकर के नाम से है। और नंबर बोल दो अपना एक बारी। 9212537278। ये व्हाट्सएप पे भी है? व्हाट्सएप पे भी है नंबर। हाँ, वैसे मैं आपको बोर्ड भी दिखाई दूंगा। तो क्या कहते हैं मतलब ये प्रिंट होते हैं, कलर प्रिंटिंग? हाँ, कलर विनाइल स्टिकर है, विनाइल कलर प्रिंट। अच्छा, वही विनाइल करके है, हमें तो भाषा पता नहीं, इनका काम है इन्हें पता है। विनाइल में मतलब ये प्लास्टिक होता है, ये कागज नहीं होता, प्लास्टिक में होता है, खराब भी होता है, खराब पानी से खराब भी होता है। अच्छा, अब देखो भैया खुद ही कह रहे हैं इधर भी लगाओ एक स्टिकर। तो अब लगाते हैं, दिखा। यहाँ भी लग गया, पहचान हो जाएगी आपको कि यही दुकान है। ठीक है, तो पहला यूज़ हो चुका है, जहाँ से छपवाया है वहीं पे।
मॉडर्न। देखो टच वाली है ये, वो देखो वो हिल रही है। बाकी ज्यादा मैं छेड़ नहीं रहा और कहीं खराब हो जाए तो देखो, तीन मशीनें एट ए टाइम दुकान पे प्रेजेंट है, तो आपको वेटिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक होगी, दूसरी ये, तीसरी। अच्छा, रैपिंग वगैरह भी हो जाती है, ये लगे हुए रैपिंग रोल्स। ये देखो इधर भी सारे पड़े हैं। तो जैसे स्कूटी कार वगैरह कोई कराते रैपिंग वो हो जाती है, स्कूटी कराओ कुछ भी है, बाइक वगैरह, स्कूटी वगैरह कुछ भी कराते हैं, वो भी पड़े ऊपर रैपिंग। जैसे भी आपको चाहिए वो कंप्यूटर रेडी ही पड़ा है, जैसा भी आप चाहो वैसा स्टिकर बन जाएगा। यहाँ पे छोटी सब्जी मंडी कहते हैं, जनकपुरी वाली, ये पीछे देख रहे हो मेरे, ये रोड जो जा रहा है, ये रोड जा रहा है सुखो खालसा स्कूल के पास जेल रोड पे, और ये जा रहा है छोटी सब्जी मंडी पे, ये इधर चला जाएगा जनकपुरी की तरफ। तो बिल्कुल चौराहे पे ही है दुकान, ये है ना, तो विजिट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में इनकी गूगल मैप लोकेशन नंबर वगैरह बोर्ड पे भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। तो चलें सर। ठीक सर, ठीक है सर, मिलते हैं फिर। तो ये वाला स्टिकर भी मैंने यहीं से छपवाया था, तो अपनी गाड़ी में तो देखो मैंने ये लगवा रखा है, क्योंकि इससे पता लगेगा कि मैं ही हूँ गाड़ी में, ये मेरी ही गाड़ी है। और ये जो टीम वाला है ये निकालियो एक। तो अब जैसे ये ऊपर मैंने टीम लिखवाया है, तो टीम का मतलब कि मतलब मेरे किसी मेंबर की गाड़ी है, टीम मेंबर की, रिश्तेदार की, यार दोस्त की, सब्सक्राइबर की, तो उसकी गाड़ी है, जैसे आप गाड़ी पे लगाना चाहो तो। और ऐसे अगर मैं टीम ना लिखवाता तो हर कोई सोचता ये मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है। ये मैंने दिमाग लगाया, अब सही है गलत है वो आप जानो, कमेंट करके मेरे को बताना नीचे। सही दिमाग लगाया वैसे मैंने, है ना। रेट वाइज मैं बता दूं आपको, एक आइडिया दे सकता हूं, तो ये मेरे को पड़ा है 3.5-4 रुपए का पड़ा है। तो आप जैसे भी आओगे, जो आपका अंदर का मैटर है, मैटर वाइज, साइज वाइज और क्वालिटी वाइज सब डिफर करता है, तो उस हिसाब से रेट होता है। तो ये री बार बार कहता हूँ, नाम लोगे चैनल का तो कुछ ना कुछ रिकार्ड मिल ही जाएगा आपको, कितना मिलेगा वो उसी समय डिपेंड करेगा आपके ऑर्डर के ऊपर भी। अब आप 20 रुपए की चीज़ लो तो उसमें भी कहो 10 रुपए दे दो तो वो तो नहीं, ऑर्डर के हिसाब से ही रिकार्ड मिलता है। तो ये पता नहीं आपको दिख पा रही है कि नहीं शॉप, तो ये एक जहीर मिस्त्री करके शॉप है वीरेंद्र नगर में। मिस्त्री को भी हिंदी में ही लिखा हुआ मिस्त्री वो देख रहे हो, पता नहीं कैसे दिख रहा है आपको कि मिस्त्री को भी इंग्लिश में लिखा हुआ है। कभी कभी ना सिंगल बजता है, अभी डबल बज रहा है तुम्हारे पास आया डॉक्टर के पास, तो वही बात हुई ना, जैसे मैं आपको कह रहा था कि डॉक्टर के पास आता है मरीज तो वो पहले ही सही होके आता है, कि कोई इंजेक्शन ना लग जाए, कुछ एक्स्ट्रा दवाई ना आ जाए। तो ये गाड़ी भी मेरी इतनी चंट है, बिल्कुल सही बज रहा है हॉर्न इस समय, सुनो देख रहे। तो भाई कह रहा है अभी बज ही रहे हैं सही, तो क्या ही छेड़ूं मैं, आवाज भी ठीक है, सर्विस की भी जरूरत नहीं है, तो कह रहा कोई नहीं अभी ऐसे ही चला लो। देखो सही बज रहा है एकदम। चलना है पैसिफिक? हां नहीं, क्या हो गया? स्कूल में जाना तो चला जा, हम तो तभी फोन कर रहा हूँ मैं, क्या नहीं जाना तो फिर मैं इसको तो घुमा ही आऊं। हां घुमाया, चाय तो पी जाओ ना। चाय भी नहीं है अभी, हां तो कार्ड्स ले लेंगे ना, कुछ लेना भी, चाय पी जाओ फिर चले जाना। ठीक है, तो अभी हमारा प्लान बना है, अब भाई आया है यहाँ पे, तो पैसिफिक मॉल नहीं गया हुआ, नहीं गया हुआ ना ये वाले, नहीं गया, एक ईस्ट दिल्ली में भी पैसिफिक मॉल है, हाँ वहाँ गया होगा, यहाँ वाले पे नहीं गया कभी भी। तो अब जितना इतना मशहूर है तो मैंने कहा भाई आया ही हुआ है, टाइम भी है हमारे पास, तो चलते हैं पैसिफिक मॉल। अपने जैसे सुना कि वो घर से आदेश हुआ है पहले चाय पी के जाओ, तो कोई आए पैसिफिक मॉल तो इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकता है फिर आप क्या करोगे मैसेज आपको किस चीज़? भाई ये जो छपवाए ये बांटूंगा ना ये किस लिए छपवाए? अब होम डिलीवरी तो मैं कर नहीं सकता, यहाँ कहीं आओ पैसिफिक के आसपास तो इंस्टाग्राम पे मेरे को बोलो, आपको पैसिफिक डिलीवरी दूंगा मैं, वहाँ पे होम डिलीवरी नहीं पैसिफिक डिलीवरी अभी इनको मैं अपने माथे पे थोड़ा लगाऊंगा, लोगों को बांटूंगा ही टीम बढ़ानी है, टीम बढ़ानी है।
कैसे लगे? A1 बढ़िया, तरक्की करो। ईस्ट मैन कलर जैसे इसमें है उतने सात रंग तेरे लग जिंदगी च देगी। हाँ जी, बहुत कमी पेशी, बहुत बढ़िया है, ऐसी तरक्कियां करो। तो ये तो पूछा नहीं, एक कहाँ गया? एक तूने उतार के लगाया होगा ना गाड़ी पे, वो जिससे छपवाए हैं उसी की दुकान पे। अच्छा, तो लगा दिए यहाँ पे। अब आ गए हैं घर से पैसिफिक मॉल भाई को घुमाने, फर्स्ट टाइम आया है भाई मॉल, रिव्यू देगा कैसा है कैसा नहीं। उधर के मॉल तो मैं बहुत घूमा हूँ इनके, जो ईस्ट दिल्ली में, तो यहाँ वाला भी मॉल घुमाते हैं भाई को। तो घर पे आपने देख ही लिया कैसे लगे घर वालों को स्टिकर्स, और चाय वाय जैसे आदेश हुआ था चाय पी के जाना, चाय वाय पी के अब आगे चुके हैं मॉल में। अब चलते हैं, एप्पल स्टोर भी जाना है, थोड़ा काम है हमें। इस भाई को काम है, मुझे नहीं। तो चल के देखते हैं क्या सीन बैठता है। डायनासोर, और ये इसको क्या बोलते हैं भाई, ये भालू सा जो खड़ा है, कुछ ऐसे ही डायनासोर या हिपोपोटामस ऐसे कुछ लाया है, सांड सही देसी भाषा में। और उधर डायनासोर है, पता नहीं ये किस वजह से थीम बनाई हुई है। देख रहे हो लाइन ज़ारा में, कोई सेल वगैरह चल रही होगी, विंटर सेल। भाग जा पहन के। आज देखो हम कैसे चौड़े होके चल रहे भाई। आज शॉपिंग कर लिया हमने मॉल से, जिसने पिछला व्लॉग नहीं देखा नोएडा के मॉल्स में गए थे हम, वहां तो बस ऐसे ही हांड के आ गए हम विंडो शॉपिंग्स करके। लेकिन एट लास्ट आज हमने कुछ खरीदा है, कितने का खरीदा है कितने का नहीं, वॉच है ये वो नहीं मैं अपने बता सकता, क्योंकि कई लोग खुश होने वाले होते हैं कई लोग सड़ने वाले होते हैं, तो वो चीज़ नहीं मैं बता सकता। बता दूं भाई, बताऊं। तो इसलिए वॉच ली है, तो आज हम चौड़े हो के चलेंगे, चौड़े हो, देख रहे हो स्टाइल बदल गया चलने का। ड्यू टू ओमिक्रॉन, तो जो नाइट कर्फ्यू चल रहा है उसकी वजह से 8 बजे ये मॉल बंद हो जाता है, और जो ऊपर ये क्या कहते हैं फूड कोर्ट है यहाँ पे सिटिंग अवेलेबल नहीं है, पैकिंग ही है बस। गाइस, तो अब पैसिफिक मॉल घूम के वहां से, जब मैंने बताया था फूड कोर्ट वगैरह में पैकिंग वगैरह है तो वहां हम रुके नहीं, उसके बाद एप्पल स्टोर गए, वहां से कुछ देखा वेखा। हंस रहा है भाई, कुछ आने वाला है वो आपको इस व्लॉग में नहीं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा, उसके लिए एक अलग व्लॉग चाहिए होगा। ये व्लॉग कम पड़ जाएगा उस खुशी के लिए। भाई साहब धड़कने ऐसे तेज तेज हो रही है। चलो कोई नहीं, आया खाने पीने का, गाड़ी में बैठ के खाते हैं और फिर चलेंगे घर। आज भाई फर्स्ट टाइम इतने सालों बाद रुक रहा है हमारे घर, कितने सालों बाद रुक रहा है भाई, देखा यार याद भी नहीं है इतने टाइम बाद रुक रहा है। जब अभी पीछे रह के गया है ना, यही चीज मैं बस ब्लॉग नहीं बनाता, नहीं तो ये चीज मैं भी बोल सकता था अगर मेरे फॉलोवर्स होते। कट कट। तो मैं तो चला ही जाता हूँ इनके घर, ये बहुत कम आते हैं। हाँ, रोज आता है। रोज आके रितु दीदी बोलती है ना सीढ़ियां तोड़ता है। क्या लिया है एप्पल स्टोर से वो आपको अगले ब्लॉग में मिलेगा देखने को। तो अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, Till then,
स्टे ट्यून्ड। हाँ अंग्रेजी। तो तब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि अगला व्लॉग जब आएगा आपको पता लग जाएगा कि क्या लिया है मैंने एप्पल स्टोर से, या क्या इसने लिया है, वो आपको पता लग जाएगा हम दोनों में से किसने क्या लिया है, या हम दोनों ने कुछ लिया है, वो सब आपको पर्दाफाश होगा अगले व्लॉग में। हाँ जी गाइस, तो घर पे आ चुका हूँ, तो अब हो गए हैं 10:30, तो व्लॉग यहीं एंड करता हूँ। क्या खर्चा करा है क्या नहीं वो आपको अगले व्लॉग में पता लगेगा। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर देना, तभी अगला व्लॉग जब आएगा तब पता लगेगा आपको कि क्या खर्चा करके आए हैं क्या नहीं, मैंने लिया कुछ या इसने लिया कुछ, वो सब आपको अगले व्लॉग में पता लगेगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हैप्पी, बाय बाय, जय हिंद, रब रखा।